हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीए। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ कि लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। आप अप्रॉक्स बोल सकते हो 15 से 20 दिन हमारे पास में, और हमें ऐसा क्या करना है कि ये जो लास्ट 15-20 दिन की स्ट्रेटजी रहे वो एकदम राइट वे में हो और आपकी जो बोल सकते हो कि जो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी है वो आपकी काम आ जाए। ठीक है, जैसे लास्ट मिनट है उसी तरीके से लास्ट डेज की स्ट्रेटजी कैसी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी हाउ टू प्लान फ्रॉम टुडे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 17 से एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 9 जून तक कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट है। तो कोई भी इश्यू हो डाउनलोड करने में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डाल दीजिएगा और उसके बाद में पासवर्ड या DOB आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये काम आप कर सकते हो। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, मुझे सबका ये कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम क्या है और आपकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, टाइमिंग और एग्ज़ाम डेट दोनों मुझे मिल जानी चाहिए जिससे कि मैं आपको फाइनली एक रिव्यू दे पाऊंगी काफी आसानी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन पॉइंट रहेंगे वो मेरी तरफ से वो 3 पॉइंट है आप लोगों के लिए। पहला, प्रीवियस ईयर सेट। ठीक है, मैं 1 by 1 चीज क्लियर करूंगी क्योंकि देखो अब बिल्कुल लास्ट डेज की स्ट्रेटेजी है तो आपको 1 by 1 क्या क्या करना है। प्रीवियस ईयर सेट, इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप हमारे चैनल पर ही जितनी भी सीरीज चल रही है आप उन्हें फॉलो करो या उनको अभी हटाओ। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि SBI PO 2017 सेट, 2018 प्रीवियस ईयर सेट, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर ये भी ना करना हो तो आप एक काम कीजिएगा, आप अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पर आपको SBI की पूरी मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएगा। आप वहाँ से देख लो, आपको जो भी कंफर्ट लगे, या फिर आप देख सकते हो ग्रेडअप है, ग्रेडअप जो एप्लीकेशन है वहाँ पर प्रीवियस ईयर सेट आपको मिल जाते हैं, आप वहाँ से कंप्लीट कर लो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, बस मैं आपको बता रही हूँ जहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या आप डायरेक्टली गूगल सर्च करके वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सबसे पहला काम करना है प्रीवियस ईयर सेट। आपको 2017 और 18 के, अब देखो आपको कुछ पढ़ाई नहीं करनी एक्स्ट्रा, पहली बात सुनो, जितनी करनी थी कर ली, अब आपको सेट्स पे ध्यान देना है। अब आपको प्रीवियस ईयर सेट लगाना है 2017 और 2018, इससे पीछे मत जाइएगा। ठीक है, केवल 2017 के जितने सेट मिल जाए शिफ्ट के वो लगा लीजिएगा और 2018 का लगाइएगा, बस एक काम आपको ये करना है। दूसरा, मॉक टेस्ट। तो आई होप आप लोगों ने कोई ना कोई मॉक टेस्ट सीरीज तो परचेस की होगी। जो भी आपने परचेस की हो या नहीं भी की हो तो प्रीलिम्स के लिए तो इतने सारे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, बट मुझे पता है आप लोगों ने करी होगी। कोई भी की हो, चाहे वो ऑलिव हो, चाहे वो ग्रेडअप हो, चाहे वो अड्डा हो, कोई भी सीरीज हो XYZ, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब कैसे लगाना है, क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपके पास लास्ट 20 दिन है, अब आप 8 से 10, इससे ज़्यादा एक भी सेट नहीं लगाओगे। जितने लग गए लग गए, बचे रह जाने देना, आगे काम आ जाएंगे, बट आप 8 या 10 से ज़्यादा नहीं लगाओगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए आज मैं 20 को ये वीडियो बना रही हूँ, अभी आपने वीडियो देखी और आपने अभी एक मॉक टेस्ट लगा लिया। चलिए, फर्स्ट मॉक टेस्ट आपने आज लगा लिया, अब आप उसके बाद में 1 घंटे का आप मॉक टेस्ट लगाओगे, और लगाना कब है, एग्जैक्ट एग्जाम टाइम पे लगाना है। मान लीजिए आपका पेपर 2nd शिफ्ट में है 10:30 बजे या मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है 10:30 अगर रिपोर्टिंग टाइम है तो 11:30 बजे पेपर शुरू होगा। ठीक है, तो आपको करेक्ट 11:30 बजे ही घर पर मॉक टेस्ट लगाना है। आया समझ में, इसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, आज आपने लगा लिया 20 तारीख को, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे मॉक टेस्ट लगा लो आपको पता आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपके मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, आपको इनकरेक्ट क्वेश्चंस को देखना है। आप ना तो करेक्ट पर जाओगे ना ही आप अनअटेम्प्टेड पे जाओगे, आप सीधे उन पे जाओगे जो इनकरेक्ट हो। ठीक है, केवल आप इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन खोलिएगा, फिर उस पर देखिएगा कि आखिरकार ये हमारे गलत क्यों हुए। ठीक है, गलत वाले क्वेश्चन देखने बस, और उसके अलावा आपको जैसे ही आप देख लो इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में, उसके बाद में आपको अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देना है। ठीक है, कुछ काम नहीं करना।
उसके ही 1 से 2 घंटे आप बोल सकते हो आफ्टरनून से इवनिंग के टाइम पे आप अगेन उस सेट को ओपन करोगे और उसके बाद में उसी सेट को अब आप ये देखोगे कि जो आपने किए उसमें इतना टाइम क्यों लगा। ठीक है, हर मॉक टेस्ट में मेंशन होता है कि इतना इतना टाइम लगना चाहिए, तो अब आप देखोगे कि आपकी जो टाइमिंग है वो इतनी ज़्यादा कैसी है। ठीक है, फिर आप वहाँ पे अप्रोच देखो, अगर उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब पे अनअकैडमी पे सर्च कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये काम आपने कर लिया, मैं आपको एकदम 1 by 1 चीज़ें बता रही हूँ जो आपको करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा आप उसके बाद में जैसे ही आपने जो आपने करे थे सॉल्व वो आपने देख लिए कि उनमें टाइम क्यों लगा, उसके बाद फाइनली आप देखोगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है, मतलब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे मॉर्निंग के टाइम पे, एक मैं टाइम बता रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, तो आपने केवल 1 घंटे मॉक टेस्ट देखा और वो क्वेश्चन किए, एक मिनट रुकेगा, हाँ केवल आपने वो क्वेश्चन किए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, केवल आपने इतना काम किया, मतलब कि जो आपने गलत कर दिए थे वो आपने देखा कि आखिर वो गलत क्यों हुए, आपको बस इतना काम करना था। उसके बाद में जब इतना काम आपका हो गया तो आपको क्या करना है कि आपने जब लैपटॉप बंद कर दिया और अगले टाइम पे आपने ये देखा कि जो हमने छोड़े थे क्वेश्चन वो हमें चेक करने हैं, जो भी हमारे अनअटेम्प्टेड थे और जो भी क्वेश्चन करेक्ट थे उस पर टाइम क्यों ज़्यादा लगा। ठीक है, ये 2 काम हो गए। अब आता है बात क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तो मॉक टेस्ट हो गया आपका और जैसे आपने, और अगले दिन आपको अगेन यही काम करना है और अप्रॉक्स आप 10 मॉक टेस्ट दोगे इन 15 से 20 दिन में। लास्ट के 2 दिन पे कोई मॉक टेस्ट नहीं देना आपको, इट मीन्स अगर आपका 8 का पेपर है तो आप 7 को कोई मॉक टेस्ट नहीं दोगे, 6 तक जितना देना है दे लोगे, मैं तो कहूँगी 5 तक दे लो बहुत है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप आ गए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। अब इनकी एक पर्सनल स्ट्रेटजी मैं दूंगी क्वांट। लास्ट टाइम पे आपको क्वांट में केवल ये करना है, अगर आप कहीं कुछ वीडियोस को फॉलो कर रहे हो या आप कोई क्विजेस को फॉलो कर रहे हो तो केवल आपको वो क्विज लगानी है, चाहे पड्डा हो, ग्रेडअप हो, टेक्स्ट बुक हो, IBPS गाइड हो, जितनी भी दे रखी है, यानी कि अकेडमी पर है, ऑलिफ पर है, जितनी भी है, सबकी केवल क्विज आप लगा रहे हो बहुत है, अलग से नहीं पढ़ोगे। क्वांट में अलग से क्या पढ़ोगे, केवल स्क्वायर डेली रिवाइज करोगे, क्यूब्स, और इसके अलावा जो आपको तीसरा काम करना है वो आपको करना है टेबल्स। ठीक है, ये सब आपकी कैलकुलेशन स्पीड में बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है बस। ये हो गई क्वांट की बात। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको मेरा एक ही फंडा है, आप लोगों को पता है, आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको 5 पजल सॉल्व करनी है ऑन डेली बेसिस। अब देखो ऑलरेडी आप मॉक टेस्ट में पजल सॉल्व कर रहे हो तो ये 5 को आप वहीं पर काउंट कर सकते हो। 3 प्रीलिम्स की होनी चाहिए और 2 मेंस की, ये मैंने आपको बताया है कि प्रीलिम्स और मेंस साथ में करना है। ठीक है, तो बस रीजनिंग में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश में यही मैं कहूँगी, डेली एडिटोरियल रीड करते रहना, एग्ज़ाम तक डेली एडिटोरियल को रीड करते रहना। इसके अलावा दूसरी बात ये कि वोकैब अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत उसे पढ़ते रहना, वैसे मैं वोकैब पढ़ने के लिए ज़्यादा आप लोगों को नहीं कहती, बस एडिटोरियल रीड करो, RC को मजबूत करो बस। ठीक है, मोर देन इनफ होगा, और कुछ रूल्स को स्टडी करते रहो जिससे कि आपको एरर डिटेक्शन में, क्लोज टेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, ये हमारी 2 बात हो गई जो मेन इंपॉर्टेंट थी, 3 बात हो गई। अब आती है SBI की सीरीज, तो मैं ये आपको SBI की सीरीज के लिए सीधे पिक्चर दिखा देती हूँ। तो SBI की सीरीज के लिए आपको ये फॉलो करना है, आप हमारे चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में ऐसे कुछ दिखाई देगा, तो यहाँ आपको दिखाई देगी SBI PO क्लर्क डेली क्लासेस रीजनिंग एंड क्वांट। ठीक है, आपको इसको फॉलो करनी है, इसमें आपको 14 वीडियोस मिल जाएंगी और मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ। इसके अलावा ये 50 फ्लोर बेस्ड पजल्स हैं, दो ये मैंने पजल करवाई थी, टॉप पजल्स। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा एक वीडियो आपको नीचे दिख रही होगी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो अभी LIC में आए हुए थे, तो इनको देख कर जाइएगा क्योंकि डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। ये बात हो गई यूट्यूब की। अब अगर आप अनअकैडमी पे भी फॉलो कर रहे हो तो मैं तो कहूँगी अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ से आपको क्या करना है, मेरी पूरी SBI की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने 60+ वीडियोज़ डाल दी हैं, LIC वाले में मैंने 100+ वीडियोस डाल दी हैं, SBI क्लर्क वाले में भी अप्रॉक्स 25 वीडियो हैं, तो उनको फॉलो करते रहो बस। ये 3 काम आपको ध्यान से, 4 काम, फर्स्ट
वन प्रीवियस ईयर सेट, सेकेंड वन मॉक टेस्ट, थर्ड जो मैंने आपको बताया कमांड रीजनिंग इंग्लिश में क्या क्या करना है, और फोर्थ SBI की सीरीज। ठीक है, चलिए अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपका आने वाले दिनों में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो आपको ये रूल रखना है, 3 prelims 2 mains, और जब ये ही प्रीलिम्स की जगह मेंस हो जाएगा तो यहाँ 2 prelims हो जाएंगी, 3 mains हो जाएगा। बस इस चीज़ को फॉलो करते रहो, कभी सीटिंग अरेंजमेंट पजल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे की बता दूँ, मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब लास्ट टाइम पे। ठीक है, इसको एनालाइज ध्यान से करना, बस ये बात याद रखना, एनालाइज ध्यान से करना बहुत अच्छे से, जो मैंने आपको बताया है उसी सीरीज में। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक और एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी, अगर एक बार एक मॉक टेस्ट को दे लिया तो ऐसा आप कर सकते हो कि अगले दिन उसी मॉक टेस्ट को फिर से लगाओ। हाँ, हो रही है, टाइम नहीं हो सकता, टाइमर लगकर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे ना। तो देखो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसे कि आप लगा लो यार अपने पास से लगा लो 20 मिनट बस। चलिए, और एग्जैक्ट टाइम, एग्जाम टाइम का ख्याल रखो, जिससे आपको बहुत हैबिट होगी कि आप एग्जाम टाइम पर आराम से एग्जाम दे पाओगे, वही आप हैबिचुअल हो जाओगे लास्ट के 10-15 दिनों में। टाइमर का यूज़ मैंने हमेशा सिखाया है कि घर पर आप कितने भी क्वेश्चन लगाओ टाइमर का यूज़ जरूर करो, चाहे कुछ भी सॉल्व करो। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना, ऑलरेडी 20 मिनट आपके एग्ज़ाम में लग कर आएंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलिए, तो दिस इज़ आवर प्रोफाइल, ये हमारी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो दिव्या गुप्ता एंड अनुपमा रानी, और आप यहाँ पर अकेडमी के लर्निंग ऐप पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको सारी वीडियोज़ मिले। ठीक है, अब लास्ट के 15 दिन में जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट लर्नर्स, एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स, बस यही फॉलो करो और अच्छे से 8 और 9 जून को एग्ज़ाम देकर आओ, और मुझे बताइएगा और किस किस डेट पर आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, पसंद आई वीडियो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, be happy, keep learning, have a nice day.